Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. Hello engineers, welcome to the world of Civil Guruji. The Civil Engineers Training Institute की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे ACP शीट के बारे में. क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके यूज़ हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं. इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको हम ACP शीट के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज ACP. ACP शीट है क्या? एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल को हम ACP शीट बोलते हैं, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर बनाया जाता है. अगर हम बात करें उसमें मेटल की, तो एल्युमिनियम उसमें मेटल है और पॉलीथिलीन प्लास्टिक एक नॉन मेटल है, जो किसी और मटेरियल की अपेक्षा में अच्छा काम करता है और मैक्सिमम हम आजकल ACP शीट को यूज होता देख सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ACP, कि कितने टाइप्स की ACP हो सकती है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ए की. टाइप ए हम तब यूज करते हैं जब हम कोई स्ट्रक्चर चार फ्लोर के ऊपर का बना रहे हो, क्योंकि ये मोस्ट फायर रेजिस्टेंट होता है और चार फ्लोर के ऊपर का बना रहे हैं तो हम टाइप ए मटेरियल यूज कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करें तो टाइप बी की, तो तीन फ्लोर का आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप टाइप बी का मटेरियल यूज कर सकते हैं और ये थोड़ा टाइप ए से कम फायर रेजिस्टेंट होता है. उसके हम बात करें सबसे लोअर क्वालिटी की, तो टाइप सी आता है. अगर आप वन फ्लोर का बना रहे हैं, टू स्टोरी का बना रहे हैं, तो आप टाइप सी मटेरियल यूज कर सकते हैं और ये लीस्ट फायर प्रूफ होता है. इसके बाद हम बात करेंगे एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल के बारे में, कि इसमें फायर रेजिस्टेंट मटेरियल मिलाया जाता है, जो कि हेल्प करता है उसको फायर रेजिस्टेंट और फायर प्रूफ बनाने में. मैक्सिमम देखा गया है कि एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर इसमें आग लगती है और बर्निंग के समय इसका जो टेम्परेचर हो जाता है 800 से 900 डिग्री सेल्सियस हो सकता है. इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि ACP शीट हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. हम फसाड में यूज कर सकते हैं, क्लैडिंग में यूज कर सकते हैं, पार्टीशन में यूज कर सकते हैं, साइनेज आपने देखे होंगे, इंटीरियर्स में आपने देखा होगा. तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, फसाड, क्लैडिंग और पार्टीशन और साइनेज और इंटीरियर्स में किस तरह से आप यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फसाड और क्लैडिंग की. ACP पैनल कुड बी यूज फॉर क्लैडिंग इन एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो इन इंटीरियर्स, रिजल्टिंग इन हाई लॉन्गिटिविटी एंड वर्सिटिलिटी. इसकी लॉन्गिटिविटी और वर्सिटाइल नेचर को देखते हुए ACP पैनल्स को हम क्लैडिंग में आजकल यूज कर सकते हैं, जो एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन में आप देखे होंगे मैक्सिमम. अभी आपको मैं पिक दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा कि कैसे ACP शीट को फसाड और क्लैडिंग में यूज किया जा रहा है. और ये अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंट भी होते हैं, इसलिए इनकी जो लाइफ होती है लॉन्ग होती है और इस्टेब्लिशमेंट इसको आसान होता है इंस्टॉल करना. जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से हमारी ACP शीट एक्सटीरियर पोर्शन में लगी हुई दिखती है, अगर आप इसको सही से इंस्टॉल कर पा रहे हैं तो. इसके बाद हम बात करते हैं पार्टीशन की. मैक्सिमम आपने देखा होगा जो ऑफिसेज बने होते हैं या कॉल सेंटर्स होते हैं या जितने भी ऑफिसेज होते हैं, मैक्सिमम उसमें हम लोग ACP शीट की ही पार्टीशन करते हैं, जिसमें हमों को ये समझ में आता है कि इसका इंस्टॉलेशन कितना आसान है और कितना ईजिली और कितना जल्दी हम लोग इस चीज़ को कर पाते हैं. और अगर आपने सही से इंस्टॉल किया है तो आपको देखने भी अच्छा लगेगा और ये थोड़ा इफेक्टिव भी होता है, इकोनॉमिकली आपको हेल्प करता है किस तरह से आप कम बजट में एक अच्छा पार्टीशन और अच्छा ऑफिस तैयार कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इमेज में आप देख पा रहे हैं कि पार्टीशन ACP पैनल्स का होता हुआ, अगर आप अच्छी तरह से इंस्टॉल कर रहे हैं तो किस तरह का दिखे. इसके बाद हम बात करेंगे साइनेस की. आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं या शॉप्स होती हैं या जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर उनको अपने नाम के बारे में बताना होता है तो वो एक साइनेस का यूज़ करते हैं. वो साइनेस आपको पता होगा या नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो ACP का बना हुआ होता है और उसके अंदर लाइटिंग करके एक साइनेस का उसको नाम दिया जाता है, कि किस तरह से वो शॉप कहाँ है दूर से ही आप देख सकते हैं या होटल कहाँ है आप दूर से ही देख सकते हैं. तो ACP शीट का यूज़ हम साइनेस में भी करते हैं. जैसे कि आपको दिख रहा होगा इमेज में कि सोनी का अगर कहीं कॉम्प्लेक्स है या सोनी का कहीं ऑफिस है या सोनी का कहीं शॉप है, तो सोनी आपको लिखा हुआ ACP शीट पे दिख जाएगा और उसमें लाइट के माध्यम से उसको आप रात में भी देख सकते हैं किस तरह से उसमें जलता हुआ साइनेज दिखता है, उसको हम साइनेज बोलते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे इंटीरियर्स की. वार्डरोब, बुक सेल्फ एंड अदर फर्नीचर यूनिट हैव बिकम एक्सट्रीमली सिंपल टू मेक. कितना आसान है वार्डरोब को बनाना, बुक सेल्फ को बनाना और अदर फर्नीचर को आप ACP के माध्यम से आप बना सकते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं और आसानी से इंस्टॉलेशन अगर आप कर रहे हैं तो आसानी से आप इंटीरियर्स में ACP का यूज कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे हम ACP क्यों यूज कर रहे हैं. ये लाइट वेट होता है, वर्सेटाइल होता है, इजी टू डील होता है, इसको आसान होता है काम करना इसके ऊपर, इसको आसान होता है इंस्टॉल करना और
हम जल्दी ही एक अच्छा ऑफिस तैयार कर सकते हैं एसीपी के माध्यम से। कोई भी आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं करनी होती है और इजी मैनेज करना होता है, उसको मैनेज करना इजी होता है और जैसे कि आपको पता है कॉस्ट में इफेक्टिव होता है, आपको कम पैसा खर्चना करना पड़ेगा और एक अच्छा सा ऑफिस और अच्छा सा पार्टीशन आप तैयार कर सकते हैं और ये आपको डिफरेंट कलर और टेक्सचर में भी मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें यूजेज ऑफ एसीपी शीट। यूजेज ऑफ एसीपी शीट के बारे में आपको हम बता चुके हैं कि आप साइनेज में, फसाड में, कैनोपी में, शॉपिंग सेंटर्स, हर जगह बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, आप हर जगह आपने एसीपी शीट को यूज होता देखा होगा। हो सकता है आप उसको नाम से ना जानते हो लेकिन आपको अगर पिक दिखाई जाए तो आपको अगर इमेज दिखाई जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये एसीपी शीट है और आपने मॉल्स में, होटल में, रेस्टोरेंट में इस तरह की शीट यूज होते हुए देखी होगी और आजकल इसका बहुत वाइड रेंज पे यूज हो रहा है। अदर मटेरियल के अपेक्षा में जो आपका एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा इंस्टॉल करने में आसान होता है और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है दूसरे के अपेक्षा यूज़ करने में। इसके बाद हम बात करेंगे ये रिजिड होता है, सॉलिड होता है और बहुत लाइट वेट होता है, इसको इंस्टॉल करना, इसको यूज़ करना बहुत आसान है। इसके बाद हम बात करें इसके नेचर की तो वर्सटाइल नेचर का होता है और इजी टू डील होता है, यूज़ करने में आसान है और इसको आसानी से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके दूसरे एडवांटेज की बात करें तो उसको हम क्लैडिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आसानी से आपको मार्केट में अवेलेबल भी हो जाएगा और आपको ब्रॉडर रेंज ऑफ कलर्स, कलर्स में भी वैरायटी आपको मिल जाएंगी, यूवी रेज का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा, केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि एसीपी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होता है क्योंकि ये रिसाइकल प्रोडक्ट है और रिसाइकल करके बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की। फ्लड के समय, बाढ़ के समय, हरिकेन्स के समय थोड़ा एक कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि अगर इनको सही से इंस्टॉल नहीं किया होगा तो एक समस्या आ सकती है, ये उखड़ सकते हैं और आपको बारिश के समय समस्या दे सकते हैं। अगर बाढ़ का मौसम चल रहा है या बारिश का मौसम चल रहा है तो उस समय अगर आपके जॉइंट सही से फिक्स नहीं है, बोल्ट रिवेट आपने सही से नहीं लगाया है तो उस जगह से आपको मॉइस्चर का और पानी की समस्या हो सकती है, हो सकता है वहाँ से पानी की आने के चांसेस हो, तो इसलिए इसको इंस्टॉल करना, सही से इंस्टॉलेशन इसका बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको सही से इंस्टॉलेशन आपने नहीं किया तो हो सकता है आपको आगे बारिश में पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।